गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंगमीत। तो फ्रेंड्स, ये सेशन में हम फाइन वेक्टर आर्ट बनाने के लिए ही लर्निंग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमारा जो टारगेट है, ये आप देख पा रहे हैं, जो एक राइट साइड पे फाइन वेक्टर आर्ट बना हुआ है, इस टाइप का वेक्टर आर्ट हम सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसके लिए हम ये टॉपिक कुछ मल्टीपल सेशंस में, मीन्स 4 सेशंस में कंप्लीट करेंगे। तो इसके जो फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं, वो ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिए हैं चैनल पे। तो अगर आपको ये पार्ट में कुछ भी कंफ्यूजन होता है कि ये पर्टिकुलर स्टेप या यहाँ तक हमने कैसे ड्रॉ किया और प्रोग्रेस किया है, तो आप उसके लिए फर्स्ट 2 पार्ट देख सकते हैं, जिसमें कि कुछ बेसिक्स भी एक्सप्लेन किया है और हमने वन कलर वेक्टर बनाने का तरीका समझा था। तो इस सेशन में हम 2 लेयर वेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो 2 लेयर वेक्टर बेसिकली किस टाइप का विजिबल होता है, उसके लिए मैंने एक इमेज रेडी किया हुआ है। तो मैं आपको एक ब्रीफ में बता देता हूँ कि ये कैसे विजिबल होगा। तो 2 कलर वेक्टर इस टाइप से विजिबल होगा। तो अब ये हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके लिए अपन आगे चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमने जो अचीव किया था वो इस तरह का वेक्टर, ब्लैक कलर का कंप्लीट जो सिंगल कलर वेक्टर है, ये अचीव कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने एक माइनर चेंज किया है। वो माइनर चेंज मैंने ये किया है कि जो डार्क ब्लैक कलर था, मतलब जो कंप्लीट ब्लैक कलर था, इसमें मैंने थोड़ा सा लाइट कर दिया है ब्लैक कलर को। तो ये अभी ग्रे कलर में, ब्लैक प्लस डार्क ग्रे कलर में कन्वर्ट कर दिया है। तो अभी के लिए आप मान सकते हैं कि ये जो सिंगल कलर वेक्टर ही था और ब्लैक कलर में ही है, तो अभी ये ऐसा विजिबल हो रहा है। बस मैंने माइन्यूटली कलर चेंज कर दिया है, सो देट कि वो सेकेंड कलर पे कॉम्बिनेशन अच्छे से बैठ पाए। तो ये हम ऑलरेडी अचीव कर सकते थे। अब हम आगे चलते हैं कि हमको सेकेंड लेयर कैसे ड्रॉ करना है। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं, तो सब कुछ ट्रेसिंग और फाइन लेयर्स का मैटर होता है। तो सब कुछ लेयर्स होती है, मतलब जैसे अभी हमने जो लेयर ड्रॉ की है, ये वन लेयर है या वन वेक्टर है जो ब्लैक कलर में है। अब हम इससे थोड़ा सा लाइट कलर पे स्विच करेंगे, जिससे हम सेकंड लेयर ड्रॉ करेंगे और दोनों को मर्ज कर देंगे, तो हमारा सिंपली 2 कलर वेक्टर अचीव हो जाएगा। तो सेकंड लेयर हमको कैसे ड्रॉ करना है, तो इसके लिए हम अगेन हमारे ओरिजिनल इमेज पे जाते हैं। तो ओरिजिनल इमेज में सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओरिजिनल इमेज हमारा ये था। तो हमने क्या किया था, वन कलर निकालने के लिए हमने जो बेस लिया था या जो रेफरेंस लिया था, उसके लिए हमने फ़िल्टर ऑप्शन का यूज़ किया था। और फिल्टर में हमने ये ग्रे स्केल पे जो कंट्रास्ट था, ये कुछ मैंने 10-15% के बीच में रखा था, जिससे कि हमको मोस्टली सिर्फ ब्लैक कलर विजिबल हो पाए, और जो हमने ब्लैक कलर के आउटलाइन ड्रॉ करके देन ब्लैक कलर फिल कर दिया था, तो वन कलर लेयर बन गया था जो ब्लैक कलर में। अब हम क्या करेंगे, अब हम इमेज को कंट्रास्ट पे कुछ ऐसा सेट करेंगे कि हमको थोड़ा ग्रे कलर भी यहाँ पे विजिबल हो पाए। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि जब मैं कंट्रास्ट को कुछ माइनस साइड में मूव कर रहा हूँ, तो इसमें हमको थोड़ा सा ग्रे कलर भी मिक्स हो पा रहा है। तो आप देखिए, ये पूरा कंप्लीट ब्लैक के लिए हो गया, और अब मैं जैसे जैसे लेफ्ट साइड में मूव करूँगा, तो यहाँ पर ग्रे कलर भी विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा अलॉन्ग विद ब्लैक कलर। तो अब हमको क्या करना है कि हमको अब इसके लिए आउटलाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करना होगा। तो अब एक ब्लैंक लेयर ले लेते हैं। तो ब्लैंक लेयर पे हम ब्रश सिलेक्ट करके, और ग्रे कलर मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, तो डीप हार्ड पेन ले लेते हैं, जो नैरो टिप का होता है, जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं आउटलाइंस के लिए। तो अब हमको इस तरह से आउटलाइन बना लेना है। तो अभी मैं पूरे आउटलाइंस तो नहीं बनाने वाला हूँ, मैंने एक आउटलाइन रेडी किया हुआ है, तो मैं आपको वो शो कर दूंगा, बट एक मैं सिंपल बेस पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आप आउटलाइन ड्रॉ कर लीजिए।
ये आउटलाइन और आईबिस पेंटेक्स के लिए सारे बेसिक्स के लिए मैंने कुछ 13-14 शॉर्ट वीडियोस बना रखे हैं चैनल पे, तो आप वहाँ से जाके पूरे आईबिस पेंटेक्स के ऑप्शन लर्न कर सकते हैं। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए ट्राई किया है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि जैसे इस टाइप का जब आउटलाइन हमारे पास ड्रॉ हो जाएगा तो हमको यहाँ पे ये कलर्स फिल कर देना है। तो जैसे ये मैंने एक सैम्पल बनाया है इस टाइप का, एक सेकंड लेयर पे क्लीन नीट एंड क्लीन ग्रे कलर का लेयर बन जाएगा। तो उसके लिए जब आप कंप्लीटली आउटलाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे मैंने अभी एक पार्ट के लिए किया है, तो वो कुछ इस तरह का विजिबल होगा। तो इसके बाद हम यहाँ पे ग्रे कलर फिल कर देंगे। ओके, मैंने ये ग्रे कलर फिल कर दिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद बहुत ही सिंपल स्टेप है, हमको दो लेयर्स को मर्ज कर देना है। अभी हमारे पास ग्रे लेयर भी आ गया है और इसके बाद हमारे पास ब्लैक कलर ऑलरेडी है, जो वन लेयर हम पार्ट टू में ड्रॉ कर चुके थे। फर्स्ट पार्ट में मैंने बेसिक्स बताया था ट्रेसिंग और वेक्टर एंड रास्टर इमेज का, और उसमें मैंने थोड़ा बहुत वन कलर वेक्टर का इंट्रोडक्शन दिया था, और सेकंड पार्ट में हमने वन कलर लेयर वेक्टर बनाने का प्रोसेस समझा था। तो ये जब हमारा कंप्लीट हो गया तो आप देख पा रहे हैं कि सेकंड लेयर जो मैंने ग्रे कलर में ड्रॉ किया है, उसके बाद मैंने दोनों लेयर्स को मर्ज कर दिया है। तो इस तरह से हमारा टू कलर लेयर नीट एंड क्लीन अचीव हो गया है और इमेज भी एकदम प्रॉपर विजिबल हो रहा है। तो ये था प्रोसेस टू कलर लेयर के लिए। अब इसमें मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हैं। तो जैसे मैं अगर ये दोनों लेयर्स मर्ज कर लेता हूँ, और अगर मान लो कि हमको ब्लैक कलर को रिप्लेस करना है ब्लू कलर से और ग्रे कलर हम पिंक कलर से रिप्लेस करेंगे, तो सिंपली आपको ये करना है कि कलर रेंज में जाना है और यहाँ पे ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेना है। और ब्लैक कलर सिलेक्ट करने के बाद जो भी हम ब्लू कलर फिल करना चाहते हैं, लेट से ये ब्लू कलर, तो ब्लू कलर हम सिलेक्ट करके यहाँ पे फिल कर देंगे सिलेक्शन के बाद। तो आप देखिए मेरा ये जो कलर है ये रिप्लेस हो गया। तो इस तरह से हम कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं। अब अगर मुझे सेकंड कलर भी कुछ डिफरेंट कलर में करना है, तो मैं सिलेक्ट करके यहाँ से ये पिंक शेड फिल कर लेता हूँ। तो आप देखिए मैंने दोनों कलर रिप्लेस कर लिए। अब मेरा सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि हम अब जो दो जिस भी कलर कॉम्बिनेशन में टू कलर वेक्टर को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, जो भी कॉम्बिनेशन आपको ठीक लग रहा है आपके ड्राइंग के लिए। ये जैसे मैंने थर्ड कॉम्बिनेशन भी एक रखा हुआ है। तो ऐसे हमने टू कलर, ये वीडियो में हमने टू कलर वेक्टर ड्रॉ करने का प्रोसेस समझा, और दो कलर को हम कैसे मल्टीपल कलर्स में चेंज कर सकते हैं ये प्रोसेस भी हमने समझा। तो नेक्स्ट सेशन में हम मल्टी कलर वेक्टर जो हमारा फाइनल टारगेट है इस पर्टिकुलर इमेज पे, वो हम देखेंगे और अचीव करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड क्वेश्चंस के लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।